गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे सोए हुए हैं, क्योंकि लाइट बहुत आ जा रही थी और जिसकी वजह से हमें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए सब ज़मीन पर ही सो गए और अभी तक सो रहे हैं। और अभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग नाश्ता वगैरह कैसे करेंगे और क्या करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर आप ही नाश्ते की तैयारी में लगी हुई हैं, फ्रिज से कुछ चीज़ें वगैरह निकालने। ओहो, ये बच्चा उठ के है, सो गए सो गए सो गए, नाइट ऑफ। अभी मैं उठी हूँ, यहाँ पे मेरी आप ही बर्तन धो रही है, नाश्ता वगैरह तैयार हो गया, और यहाँ पे मेरा यार आलू बोनी कर रही है, जो आज आलू वाले पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही है, यहाँ पे भाई तंदीर उठ गए हैं, वो नहीं कैमरे के सामने आते, वो ज़रा सेहत मजाक से बंदे कैमरे के सामने नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं फ्रेश होने के लिए जाती हूँ, इस तरह देख सकते हैं आप के यहाँ पे इब्राहिम और अब्दुल हादी अपनी अपनी मस्ती में लगे हैं। अब मैं वॉशरूम के लिए जा रही हूँ फ्रेश होने नाश्ते के लिए। यहाँ पर सिद्रा कर रही है सफाइयाँ, तो अभी नाश्ता वगैरह तो तैयार नहीं हुआ, उससे पहले सफाइयाँ करने लग गई हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, इब्राहिम के काम चेक करें कि यहाँ इब्राहिम कैसे जूते के साथ खेल रहा है। इब्राहिम क्या कर रहे हो? देखा दिन है, तो आज हमारे घर में मर्द की जिम्मेदारी है कि वो सफाइयाँ करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सफाई करते हैं भाई तंदूर, देखें डस्टिंग ईच एंड एवरी थिंग। लेकिन अभी इतनी अच्छे से सफाई नहीं, आपने कहना है कि ये सफाई की है, लेकिन अभी इतनी अच्छे से नहीं, अभी वो करेंगे। आ चुकी है लाइट, यहाँ पे पीछे आप लोग सुन रहे होंगे कि पोटी वॉश करने की बात है, उन्हें वो बच्ची है, उसने पोटी कर दिया तो वो वॉश करनी है। और यहाँ पे मेरी आप लोग क्या कर रही हैं, आलू बॉयल नहीं अभी तक हुए, बस होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं इनके घर, तो हमने फर्स्ट बोला था कि हमने आलू बॉयल पराठे खाने हैं, हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमें नहीं खिलाए गए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को पसंद है। ये बड़ी शुगली बहन है हमारी। तो क्या 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 इसके अंदर डालोगे? इनकी इसमें मैं डालूंगी आलू बॉयल करूंगी, और उसके बाद इनको मैं छील के मैश कर लूंगी। फिर मैंने ये धनिया काट लिया है, ये मैं आलू के अंदर डालूंगी, मिर्ची डालूंगी। वैसे तो मैं टमाटर प्याज भी डाल लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है इसलिए मैं टमाटर प्याज नहीं डाल रही। मैं सिर्फ प्याज तो डालना, टमाटर डालना नहीं, प्याज भी नहीं मैं डाल रही। और फिर उसके बाद ये गरम मसाला और नमक में जो है जो मसाला डाल रही हूँ, उनका पेस्ट बना कर रखी हूँ उसका, और फिर मैं आप लोगों को पराठे बना के खिलाऊँगी, और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि इसने कैसे बनाया, ठीक है। अगर आपको भी ये पसंद है, तो अगर आपने भी खाने हो तो इनके घर विज़िट करें और अपने आलू साथ लेके आए। आलू बहुत महंगे हो गए, तो फिर वो भी ना आपके आपको खिला। चलिए मैं आपको बाकी सबका बताती। आखिरकार पराठा तैयार होने पे आ ही गया, हमें इतनी भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। और अभी तो माशाल्लाह से हमारा पराठा तैयार हो रहा है, बहुत यम्मी सा लग रहा है, और अभी हम लोग इसको खाएंगे। और मैंने इसका मसाला जो आलू का पेस्ट बनाया था वो मैंने टेस्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी किस्म का था। मुझे उम्मीद है कि पराठा भी मज़ेदार होगा। और अब पराठा तैयार हो चुका है, अब चाय और हमारा नाश्ता रेडी हो गया। आज का ब्लॉग यहीं तक था, सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग।